जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर रोमचो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो आपको निःशुल्क ज्योतिष परामर्श के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो और ज्योतिष के बारे में और सभी सही जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। तो चैनल से जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी राशि के लिए कि सक्सेसफुल जो लोग हैं ओके सक्सेसफुल लोगों की सोच, क्या वो सोच आप में है, इस बात को बिल्कुल आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हर सक्सेसफुल आदमी बहुत ज़्यादा सकारात्मक होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड पर माइंड ऑफ सेटअप होता है उसका और बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोचता है। दूसरी बात होती है, वो कोई भी फैसला भावनात्मक तौर पर नहीं लेता है, वो अपने हर फैसले को अपनी एनालिसिस पावर से लेता है, न कि भावनात्मक रूप से। तीसरी बात होती है कि ये से लोग धन का मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से नहीं आता है, कि धन को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या धन को कहाँ पर खर्च करना चाहिए, वो इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे की एक पहचान जो सिम्टम्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी बात होती है, एक सक्सेसफुल आदमी बहुत ज़्यादा दूर का सोचता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अभी का सोचेंगे, आज का सोचेंगे, कल का सोचेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे का सोचते हैं कि आगे ये हो सकता है और उस प्रोजेक्ट को उस बात को लेकर आज के इस समय में वो क्रियान्वित होते हैं, तब उसके परिणाम उस समय आकर बहुत बड़े परिणाम हमें दिखाई देते हैं। एक और बात है, ये हमेशा रचनात्मक होते हैं, कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं, ये हमेशा दुनिया की भीड़ से कुछ अलग करने की भूख रखते हैं, जो भूख इन्हें हमेशा जीवित रखती है। एक और बात ये समझ में एक बहुत ही अच्छे एनालिसिस में आई कि ये ईश्वर के बहुत बड़े भक्त भी होते हैं, मतलब ईश्वर के भक्ति का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर सक्सेसफुल आदमी, क्योंकि ईश्वर की कहीं ना कहीं इन पर कृपा होती है, तो ये बहुत सुलझे हुए होते हैं और ईश्वर के बहुत बहुत प्रचंड मात्रा में इनमें भक्ति का रस पाया जाता है और भक्त होते भी हैं। एक और बात है दोस्तों कि एक अलग ही पहलू है कि ये दुनिया से कुछ असामान्य चीज़ें इनके साथ घटित होती है जीवन में, बहुत सी असमानताएँ होती है, बहुत सी चीज़ों का ना होना, और उसके बावजूद भी जो इनका लक्ष्य है, टारगेट है, उसके प्रति दौड़ते रहना, ये बहुत असामान्य बात है जो हर सफल और सक्सेसफुल आदमी में दिखाई देती है। दोस्तों, आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि एक बहुत ही अच्छा अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से कोई भी चीज़ नहीं सीख के आता है, वो सभी यहाँ पर आने के बाद सीखता है, उन पर उनका विकास करता है और उसको विकास होने के साथ साथ अपने मस्तिष्क कौशल से, दिमाग से, अपने आइडियाज़ से उसे उस चीज़ को धरातल पर उतार देता है और वो सफल हो जाता है। कई बार असफलताएँ भी हाथ लगती, लेकिन उन असफलताओं से ऐसे लोग कभी घबराते नहीं हैं और कभी असफलताओं को दिमाग पर नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सी जो मैंने बातें आपसे शेयर की है, हर सफल आदमी के पीछे ये मेन और मुख्य बातें होती हैं जो आप में होनी चाहिए, इसलिए हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इसे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। जय श्री महाकाल।